जानेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर को। दो स्टॉक्स को डिस्कशन में जी पहला है वोडाफोन आइडिया, बिल्कुल इस पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने रील भी डाली थी। लोग जी एकदम से परेशान है कि आज हो क्या गया हो है। क्या गया। सबको पता है कि जो रिपोर्ट आई है गोल्डमैन की, वो 2.5 रुपये के टारगेट वाली, वो रिपोर्ट गलत है। ये सब मानते हैं कि 2.5 रुपये नहीं आने वाला है, करेक्ट। लेकिन उसके बावजूद 2.5 रुपये नहीं आने के बावजूद जितना उन्होंने कहा उतना तो गिरी गया है। जितना उन्होंने टारगेट दिया उतना 2.5 रुपये, 2.5 रुपये तो गिरी गया है, गिरी गया, राइट। राइट। एक चीज है अल जी, गोल्डमैन सैक्स ने टेक्निकली तो टारगेट बढ़ाया है, उन्होंने रेटिंग चेंज नहीं करी, टारगेट बढ़ाया है। टारगेट दूसरी बात, एफपीओ में गोल्डमैन सैक्स ने पैसे लगाए थे अल जी, 11 11 रुपए के भाव पर 900 करोड़ गोल्डमैन सैक्स ने भी लगाए। लेकिन दीप वो मैं भी वो मैसेज घूम रहा था मार्केट में, मैंने भी देखा वो कि उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन वो ओडीआई अकाउंट में लगाया, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, तो जरूरी नहीं कि वो गोल्डमैन का खुद का ही हो। इसमें इसमें कैच है जो बहुत सारे वाया लोग, वाया करके हो सकता नहीं नहीं है। वो किसी वो उनके किसी क्लाइंट का हो सकता है, दैट इज पॉसिबल एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है कि ये इनको एक तरह से आप पी नोट्स की तरह देखिए, अच्छा क्योंकि जब आप ये लिखते हैं कि ओडीआई में मतलब ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स करके आप देखिए, मेरे पास वो मैसेज घूमते घूमते पहुंचा भी था। एक ही मिनट में खोल रहा हूँ कि लोगों को लगा कि अरे ये तो पैसा लगाया उन्होंने। हाँ देखिए, गोल्डमैन सैक्स ओडीआई, सिंगापुर सिंगापुर पीटीआई ओडीआई। पीटी ओडीआई, उन्होंने 81 लाख शेयर अलॉट हुए इनको, करेक्ट, ग्यारह करेक्ट, रुपये में। नॉट नेसेसरी कि गोल्डमैन ने अपनी बुक्स में अपना लिया लिया हो। हो, हाँ वो किसी और के लिए वो लिया होगा, पॉसिबल है। और फिर भी अगर देखिए लिया भी हो तो भी तो अपना अपना व्यू, मैं तो मैं इस व्यू चीज़ को बाद में गलत नहीं चेंज हो मानता। सकता है। हाँ कि भाई आपने एफपीओ में लिया, ठीक है, बूंद का व्यू। और कई बार क्या होता है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये लोग है ना ट्रोल करने के लिए कर देते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपकी रिटेल की रिसर्च बिल्कुल अलग है, इंस्टीट्यूशनल बिल्कुल अलग करेक्ट। है, सेल साइड वाले कुछ अलग बोलेंगे, बाय साइड वाले कुछ अलग बोलेंगे, बैंक का व्यू कुछ अलग हो सकता है, आपकी ब्रोकिंग फर्म का कुछ अलग हो सकता है, म्यूचुअल फंड का कोई तीसरा व्यू हो सकता है। तो हर एक एंटिटी के बीच में कई जगह चाइनीज वॉल होती है, तो नॉट नेसेसरी कि इसलिए ये, सेम हो वो हाँ जरूरी वो नहीं मजाक उड़ाने के लिए बढ़िया पॉइंट है ना, है। बट एक्चुअली देर कुड बी अ डिफरेंस। देखो बे हाँ देर डिफरेंस कुड है। बी अ, आशुतोष सही है ना, आप तो इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वगैरह ये सब अच्छे से समझते हैं, क्या ऐसा संभव है? अनिल जी आपने बहुत बढ़िया बात बोली, और अनिल जी ये बाई चांस आइडिया की बात हो रही थी तो आपने क्लैरिफाई क्लैरिफाई किया जो, और ये जो मैसेज सुबह से घूम रहा है अनिल जी, मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसे जितने भी मैसेजेस आपकी टीम को या हमें मतलब मिलते हैं, ये आपको टाइमली और ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहिए। जब भी अनिल जी कोई तेजी या मंदी आती है इस तरह की, बहुत सारी चीजें घूमने लग जाती है। एक ये मैसेज घूम रहा है जो अभी आशीष ने कवर किया कि एफपीआई का लास्ट डे है, लास्ट आवर है सेलिंग का, ये घूम रहा है तो एक क्यों घूम रहा है, इसके इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। तो अनिल जी लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती, वो बिल्कुल फेस वैल्यू पे जाके रिएक्ट करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अनिल जी। सो मतलब ये जो आपने अभी क्लैरिफाई किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी का रीजन ये है कि अनिल जी वो 11 रुपए में लिया उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अनिल जो किसका पैसा था डेरिवेटिव फंड में, तब कब वो बेच चुके भी है, नहीं प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, उसका कोई कोई किसी को कुछ पता ही नहीं अनिल जी। तो मतलब उस एब्सोल्यूट आइसोलेटेड उस मैसेज को सडनली एक एक इवेंट वाले डे पे चिपका के सर्कुलेट करना कोई लॉजिक नहीं है जिसका। चलिए ये है आपके लिए पूरा वोडाफोन पर एक्शन। इस बीच वोडाफोन पर हमारा फोकस था, बट देखते देखते बाजार और गिर गए सर।